और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना दोस्तों। आज की टेक न्यूज #32 वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। ओके, तो फालतू बकवास आज बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मार के निकल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाओ इंट्रो। ओके, तो आज की पहली टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। ओके, तो जो भी है दोस्तों, यहां पे स्नैपड्रैगन ने एक नया प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 678। अभी 75 जो आया था 2018 में उसी का सक्सेसर है ये, बस नया प्रोसेसर के नाम पे थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ाया है और नेटवर्किंग इशू जो थोड़ा बहुत था उसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, बस और कुछ नहीं है। वही 11 NM का प्रोसेसर है, वही एड्रीनो 612 यूज किया गया है, वही 4G सपोर्टेबल है। अगर ये 5G सपोर्ट करता तब भी कुछ नया बोल सकते थे कि भाई हाँ बजट रेंज के अंदर 5G ला दिया, 4G। दूसरी टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे सैमसंग की तरफ से जो M सीरीज का M12 आने वाला था, BIS पे भी आ गया था, मैंने बताया था आपको, देखते ही नहीं, जो भी है छोड़ो, अब से देखना ठीक है। तो वो जो स्मार्टफोन था उसका कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। 3GB का रैम होने वाला है, एंड्रॉइड 11 पे आएगा और एक्सिनोस का 850 वाला प्रोसेसर रहेगा। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जो आया है वही तो बताऊंगा, मैं थोड़ी बढ़ा सकता हूं इसको। उसी सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है कि सैमसंग का जो M62 नाम से एक बड़ा वाला फोन है, जिसको टैब आने वाला था, तो उसका जो इंटरनल स्टोरेज रहेगा वो कहा जाएगा कि 256GB का रहेगा। और क्योंकि ये M सीरीज का है और हमने सैमसंग के जितने भी M सीरीज के स्मार्टफोन्स देखे हैं, हमने नोटिस किया कि उसमें बैटरी जो है थोड़ा ज्यादा ही हट्टा कट्टा दे देते हैं वो लोग। तो आप समझ के चल सकते हैं कि ये जो बड़ा फोन आने वाला है, टैब, हाँ वही भाई वही टैब, तो उसके अंदर भी आपको मोटा सा एक बैटरी मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये जो टैब होने वाला है ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के साथ आपको मिलेगा, तो इतना डरने वाली प्राइस पॉइंट शायद नहीं होगी, ऐसा ही लीक समय कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट टेक न्यूज की बात करें तो वो निकल के आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी का एक स्मार्टफोन का नाम मैंने शायद पिछले टेक न्यूज में बताया था, याद नहीं आ रहा, शायद बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं एक बार और यहां पे बता देता हूं, सुन लीजिए आप, मतलब जिन्होंने नहीं सुना है उनके बारे में तो सोचना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे रियलमी का जो X60 प्रो वो वाला स्मार्टफोन है वो 3C सर्टिफिकेशन पे लिस्टेड हो चुका है, सर्टिफाइड भी हो चुका है। वहां पर आपको क्लियरली दिखाया गया था कि ये फोन जो है 65 वॉट वाला सुपर डार्ट चार्जर सपोर्ट करेगा। अभी इसी का एक छोटा भाई भी अभी कहा जा रहा है कि वाईफाई अलायंस के ऊपर लिस्टेड हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर है RMX, एक सेकंड, जिसका मॉडल नंबर है RMX 3201। और कहा जा रहा है कि अज्यूमशन ऐसा आ रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये शायद से रियलमी X60 हो सकता है। अब क्योंकि ये फोन जो है ग्लोबली लिस्टेड हुआ है तो ये फोन जाहिर है कि इंडिया में भी काफी जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एक न्यूज की बात करें तो वो आता है रेडमी की तरफ से, लाल वाला मी, काफी खराब जोक था जो ये। तो रेडमी का जो K40 सीरीज है वो कहा जा रहा है कि अपने जो मतलब अपने नहीं उनका चाइना के अंदर इसी दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा और उसी के कुछ ही दिनों बाद मतलब बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में भी ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं पर्सनली K40 सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सुना है कि बहुत कुछ आने वाला है फोन के अंदर, तो मजा आएगा। दोस्तों फिर से असली वाला मी यानी कि रियल मी, उसके अंदर से न्यूज आ रही कि रियल मी का जो बड्स Q2 था हाँ वो आ चुका है BIS पे और वो जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। तो आप फालतू में टेंशन वेंशन करके अपना BP हाई मत कर लेना ठीक है। और रुको भूल गया था, 40mAh का बैटरी कहा जा रहा है कि इसके अंदर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट एक न्यूज की बात करें तो वो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने अपने को बहुत दिनों बाद आके दो सरप्राइज गिफ्ट दिए जो कि बहुत ज्यादा पसंद आया इंडिया वालों को ठीक है। अभी कहा जा रहा है कि इन सीरीज के अंदर और एक नया सदस्य जो है वो आने वाला है और इसका मॉडल नंबर कुछ ऐसा है, माइक्रोमैक्स E7748। दोस्तों ये जो मॉडल नंबर मैंने आपको अभी बताया ये हो चुका है BIS के ऊपर सर्टिफाइड, यानी कि बहुत ही जल्दी माइक्रोमैक्स के इन सीरीज के अंदर और एक स्मार्टफोन इन हो जाएगा बहुत ही जल्दी ठीक है। दोस्तों आज का टेक न्यूज होता है यही पे खत्म। वैसे रुकिए पहले पूरा देख लीजिए क्या हो गया और 2-3 सेकंड अगर देख लिए तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका, वही बोल रहा था, लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब मार के चले जाओ ठीक है। Stop me, I'm all the way up.